Okay, student. So in my first video, I have discussed the pollination and their types. Now, I am going to discuss the agents of pollination. मैंने आपको बताया पहले में तो pollination की process किस तरीके से होती है, autogamy थी. तो उसमें तो एक ही plant, एक ही flower के अंदर, same flower के अंदर जो है pollination की process हो जाती है. दूसरे में pollinating agents और pollinating या external agents की ज़रूरत पड़ती है. और जो तीसरी प्रोसेस है दैट इज़ जीनोगैमी, इसमें भी एक्सटर्नल एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है पॉलिनेशन की प्रोसेस. एक्सटर्नल एजेंट्स यानी कि वो एजेंट्स जो कि पॉलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलन ग्रेन्स को पहुँचाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. प्लांट्स यूज टू एबायोटिक, विंड एंड वाटर. अब इसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. एबायोटिक यानी नॉन लिविंग और बायोटिक मतलब लिविंग फैक्टर्स. दोनों फैक्टर्स इस प्रोसेस के लिए इन्वॉल्व होते हैं. तो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, लेट्स सी. प्लांट्स यूज टू एबायोटिक दैट इज विंड एंड वाटर एंड वन बायोटिक दैट इज एनिमल्स एजेंट्स टू अचीव द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन. ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज ए बायोटिक एजेंट्स. ज़्यादातर प्लांट्स में जो बायोटिक एजेंट्स हैं वही पॉलिनेशन की प्रोसेस को कैरी आउट करवाते हैं, पर कुछ प्लांट्स में ए बायोटिक एजेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. पॉलिन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा टू इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन. टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एसोशिएटेड लॉस ऑफ पॉलिन ग्रेन्स द फ्लावर प्रोड्यूस इन्यूमियस अमाउंट ऑफ पोलन व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पोलिनेशन. तो क्योंकि क्या होता है, अब पोलन ग्रेन्स हो रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जाके उड़ के फिर जाके उसी स्पीशीज़ में चले जाए या बह के जाके उसी स्पीशीज़ पे सेटल डाउन हो जाए एग्जैक्टली ऑन द स्टिग्मा. तो इसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन वेस्ट होते हैं. तो इन पोलन ग्रेन्स के वेस्ट होने की प्रोसेस में इसको कंपनसेट करने के लिए एक जो प्लांट होता है वो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जो होता है उनको प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू द ओव्यूल्स. ओके, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशंस. विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर दैट द पॉलिन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करेंट. जो पॉलिनेशन जो विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो कैसा होता है, इसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं यानी चिपकते नहीं हैं. सो दैट दे गेट ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड करंट, कि वो हवा के साथ साथ आराम से उड़ के चले जा सकें. दे ओफन पॉजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस सो दैट पोलन्स आर ईजली डिस्पर्स्ड इनटू द विंड करंट. इनके जो स्टेमेंस होते हैं वो एक्सपोज होते हैं हवा में सो दैट कि तेज़ हवा के दौरान वो पॉलन ग्रेन्स जो है वो उड़ के आराम से चले जा सके. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस. जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं जनरली उनमें एक सिंगल ओव्यूल होता है और एक मतलब जो ओवरी होती है उनमें एक सिंगल ओव्यूल होता है और जो उस पर फ्लावर्स होते हैं वो दे आर पैक्ड इन एन इन्फ्लोरेसेंस. और जो उनके फ्लावर्स होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको पहले ही बताया जो नीचे का पार्ट जो कि फ्लावर्स को सपोर्ट करता हुआ है. अ फैमिलियर एग्जाम्पल इज द कॉर्न कॉब. कॉर्न मतलब भुट्टा, आप सबने देखा होगा. टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन. विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन द ग्रासेस. सबसे कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है, घास का, ग्रासेस का. सेकेंड इज़ द पॉलिनेशन बाय वाटर. पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स. जो पॉलिनेशन जो वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो बहुत ही रेयर होता है और 30 जेनरा में मतलब यूजली देखा गया है. और इट अकर्स मोली इन मोनोकोटिलेडन्स. मोनोकोटिलेडन जिनमें सिंगल कोटिलेडन्स होते हैं. आपने चना देखा होगा, चना जब आप भिगा देते हो उसको तोड़ते हो तो चने दो भाग में हो जाता है, तो यानी कि एक भाग ये दो भाग, तो वो क्या हुआ, डाइकोटिलेडन. पर उसी जगह आप अगर मटर देखते हो तो मटर में सिर्फ आपको एक ही राउंड शेप का स्ट्रक्चर नज़र आता है, दैट वी कॉल्ड द डाइकोटिलेडन, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड द मोनोकोटिलेडन. ओके, मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब टू.
तो इस तरीके के प्लांट जिनमें सिंगल शेप्ड हो स्टोरेज के लिए, सिंगल कॉटिलेडन हो, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोकॉटिलेडन। एज अगेंस्ट दिस यू विट रिकॉल दैट वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमिट्स अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गी। ठीक है, तो आपने कि जो वाटर होता है वो मेल गैमिट्स के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जहाँ तक इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हो तो वो एग्जाम्पल है एल्गी का, काई का, ब्रायोफाइट्स एंड द पेट्रियोफाइट, दे ऑल आर द फॉर्म ऑफ द एल्गी। इट इज़ बिलीव पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट्स एंड पेट्रियोफाइट दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ फॉर वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमिट्स एंड द फर्टिलाइजेशन। क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ी रेयर है इसलिए आप इनका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा आप रेयरली देखोगे, कहीं कहीं देखोगे। सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला। एग्जाम्पल्स क्या हैं वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स के, वेलिसनेरिया और हाइड्रिला प्लांट। ठीक है, विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मरीन सी ग्रासेस सच एज जोस्ट्रा। ये क्या होते हैं, ये प्लांट फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं और साथ ही एक मरीन सी ग्रास का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो उसका क्या नाम है, जोस्ट्रा। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। इन अ मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हाइसिनथ एंड द वाटर लिली द फ्लावर्स इमर्जेस अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट्स और विंड एज मोस्ट इन दी प्लांट्स। इन वेलिसनेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सर्फेस ऑफ वाटर बाई लॉन्ग स्टाक एंड द मेल फ्लावर और पॉलिन ग्रेन्स आर रिलीज ऑन टू द सर्फेस ऑफ वाटर। अगर आप वेलिसनेरिया का एग्जाम्पल लिए तो वेलिसनेरिया में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर होता है वो वाटर की सर्फेस पर आ जाता है, उसकी जो वो होती है डंडी होती है वो बहुत लंबी होती है, और जो मेल फ्लावर्स और पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो वाटर में रहते हैं, तो वो इस तरीके से उनका आपस में फ्लावर का और पॉलिन ग्रेन्स का आपस में कॉन्टैक्ट होता है। दे आर कैरिड पैसिवली बाई दी वाटर करेंट्स, सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर्स एंड द स्टिग्मा। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस फर्न फ्लावर्स रिमेन समर्स्ड इन वाटर एंड द पॉलिन ग्रेन्स आर रिलीज इनसाइड द वाटर। कुछ जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट है जो जैसे कि सी ग्रासेस हैं और फर्न हैं, उनमें क्या होता है, जो प्लांट होता है पानी के अंदर ही रहता है और पॉलिन ग्रेन्स जो है पानी के अंदर ही रिलीज़ किए जाते हैं। पॉलिन ग्रेन्स इन मैनी सच स्पीशीज़ आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड दी वाटर। इनके पॉलिन ग्रेन कैसे होते हैं, लॉन्ग होते, लंबे होते हैं और रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, जो कि आराम से पानी की तरंगों के साथ आराम से बहते हैं। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन। इनमें से कुछ जो है स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं और पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पॉलिन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाई दी म्यूसलिनेजिंग कवरिंग। अब आप ये सोचते होंगे पॉलिन ग्रेन ऐसा कैसे हो सकता है कि ख़राब नहीं होते, तो उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, म्यूसलिनेजिनस कवरिंग होती है, जिसकी वजह से जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। So both wind and water pollinated flower are not very colorful and do not produce nectar. ठीक है, जो wind और water pollinated flower होते हैं इनका एक पहचानने का identify करने का ये है कि ये जो है ज़्यादा colorful नहीं होते और ना ही ये nectar produce करते हैं। Okay, so these are the agent of pollination by abiotic factors. Abiotic factors में क्या हो गया, water हो गया और air हो गई। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड।